can do this. Come on. अब टाइम है इस बलून को टक्कर देने का. कुछ जल्दी आ, नहीं तो तू बाहर से टकरा जाएगी. हाँ, पहाड़. अरे दीदी, कुछ जल्दी आ. दीदी जल्दी आइए, जल्दी आइए दीदी. दीदी जल्दी. ओह नो, रे ने इस प्लैंक पे भी मैजिक कर दिया. अब तो मैं इस प्लैंक को उठा भी नहीं सकता. अब एक ही रास्ता है खुशी दीदी को बचाने का. मुझे इस बलून को टिल्ट करना होगा. गाइस गाइस गाइस, हमें इस बलून के डायरेक्शन को चेंज करना होगा ताकि खुशी दीदी उस पहाड़ से ना टकरा जाए. डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे विवान? चिंटू और चिंडी की हेल्प से. बोल क्या करना है. हाँ तो तुम दोनों नाचना शुरू कर दो. तुझे इस सिचुएशन में हमारा डांस देखना है. विवान इज राइट, तुम लोगों के वेट के कारण 45 डिग्रीज पर बलून टिल्ट हो जाएगा. तो इससे खुशी दीदी यहाँ आएगी और मोमेंटम इनटू मोमेंटम. हाँ रिंकू प्लीज, हम तैयार हैं विवान. कम ऑन. हाय हाय, यहाँ तो कुछ भी नहीं है. थाके गया नहीं? हाँ. रुको रुको रुको, क्या हुआ करुणा जी? भारत नगर में ये पेड़ पहले नहीं थे. हा? अरे हाँ, एकदम साची बात बोले हो आपने करुणा बेन, ऐसे पेड़ तो है ही नहीं. अरे लेकिन आप तो छोड़ो ना, हम लोग तो यहाँ पे एम को ढूंढने आए हैं. हाँ? ये एम किधर है? वही तो. एक मिनट, यही तो है वो एम का निशान जो हम ढूंढ रहे थे. हैं? हाँ, ये एम. ओह लॉर्ड, तो एम छे. यानी इसी के आसपास हमें कोई चाबी या दरवाजा मिलेगी जो हमें इस मिरर वर्ल्ड से बाहर ले जाएगा. नो, हमसे पहले तो ये लोग यहाँ पर पहुँच गए. तो क्या हुआ? इन्हें थोड़ी पता है कि वो चाबी उस पेड़ के नीचे जमीन में दबी हुई है. हैं? तो फिर देर किस बात की है? चलो निकाल लेते चाबी गड्ढे में से. चलो विवान, विवान मुझे बचाओ प्लीज. विवान आप घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे. आप आइए जल्दी. खुशी, आइए आइए भैमार जी. ये लोग यहाँ भी? आइए और चाबी निकाल लीजिए. अच्छा, मतलब अंधा पीसे चक्की और रोटी खाए कुत्ता. नहीं मतलब ये बड़ी मेहनत करके पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसमें से चाबी निकाल लेंगे और तुम बड़ी आसानी से चाबी इनसे छीन लो. क्या अब छीनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भैमा, क्योंकि तौबा तौबा ने खुद हमें बता दिया है कि वो चाबी कहाँ पर. भगवान, दीदी, दीदी, ये हुरे.
फन किड्स। चलो अब मैं तुम सब लोगों को घर लेके चलती हूँ। यस। नॉट सो सून अनन्या, नॉट सो सून। ये क्या है? ये शायद चाबी है। मिल गई चाबी। चलिए माँ, भागो भागो। अरे मिस्टर गेस्ट वाया काल लोग, हम लोग को तो खुद ही दर्पण में आत्मसमर्पण करना पड़ गया। अनन्या दीदी, भारत नगर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हम थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे। लेकिन अनन्या दीदी, यही तो रिंकू ने पूछा है कि हम कितने देर में पहुंचेंगे? कुछ 8-10 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। क्या 8-10 घंटे? दीदी हम उड़ते उड़ते ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए जो हमें मुंबई पहुंचने के लिए 8-10 घंटे लगेंगे? वो एक्चुअली विवान, हम इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया? इसका मतलब मैं कैंगरू देख सकता हूँ? हाँ रुक जा, अभी मैं तुझे दिखा दूँ कैंगरू। रुक रुक रुक, नीचे फेंकता हूँ, नीचे जाके देख। जाओ जाओ, नहीं देखना। फिकर नॉट रिंकू, हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। हाँ लेकिन दीदी, लगता है फिकर हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वो देखिए, फाइटर जेट। विवान, मुझे तो लगता है इंडियन एयरफोर्स है, हमें बचाने के लिए आई है। क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। अरे चाबी तो मिल गई, लेकिन तारा कहाँ है? अरे लेकिन ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा ना जिनसे हमने चाबी छीनी है। मिस्टर गेस्ट, शेम ऑन यू, ये क्या गुड़गोबर कर दिया आपने? ऐसा मैं नहीं, ऐसा कालोक वाले बोलेंगे। मूर्ख, चाबी भले ही उनके पास हो लेकिन वो ताला कहाँ है ये उनको नहीं पता। हो सकता है कि आजीवन यहीं भटकते रहें लोग। भारत नगर में जितने भी दरवाजे हैं उन पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही एक दरवाजा है जिस पर ताला नहीं लगा। तुम्हारा मतलब ये दरवाजा कोई क्लू हो सकता है? हाँ। हाय हाय, यहाँ पे ना तो कोई ताला है और ना ही कोई चाबी लगाने की जगह। नक्की कि मुझे लगता है ये ना हम लोगों को ऐसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। और मान लो भाग्य के खेल से उन्हें पता चल भी गया कि वो ताला कहाँ है, तो वो उसे खोल नहीं पाएंगे क्योंकि जो चाबी उनके पास है वो नकली है। असली चाबी वो मिट्टी में। चाबी ढूंढते समय मैंने
नकली चाबी गाड़ दी थी, जिसे असली समझकर वो भाग निकले। वाह मिस्टर गेस, वाह। चलो दीदी को चोटिए, मैं अभी इस इंजन पे टर्बो स्टील इंजन अटैच कर देती हूँ। हाँ। चलो बल्टे, अब टॉप स्पीड पर उड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है विवान, मेरे पास टर्बो स्पीड वाला बटन नहीं है? Thank you.
कुछ ऐसा ड्रॉ करिए ना जो जेट प्लेन से भी ज्यादा फास्ट हो। हाँ, मैं कारीगर परी हूँ, फाइटर परी नहीं। इसका मतलब आप वेपन शो नहीं कर सकते? नो। अरे यार, मर गए। नो नो, चाबी लो। वीरों के वीर बाल वीर, चाबी चाहिए? लो चाबी। उधर है। अनन्या दीदी, आप वेपन्स नहीं बना सकती तो क्या हुआ? मैं तो बालवीर हूं, मैं तो अपने वेपन्स यूज कर सकता हूं। लेकिन विवान, अगर तुमने अपनी पावर्स यूज करी तो परितारा की हाई ऊर्जा की वजह से तुम जल जाओगे। क्या? लेकिन दीदी, ऐसी लाइफ का क्या फायदा जो अपने फ्रेंड्स के ही काम ना आ सके। अच्छाई की सबसे बड़ी वीकनेस होती है सेल्फ सैक्रिफाइस, यानी कि खुद का बलिदान। अब परितारा की एनर्जी की वजह से विवान एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।